अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू हीना की दुनिया। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं हीना की बड़ी बहन। अब है हीना का बर्थडे 23 अक्टूबर, और हम सब ने मिलकर उसके लिए छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है, जो हम आज रात सिर्फ अभी 12 बजे के लिए दे रहे हैं उसे। फिर हम कल उसको दोबारा से एक और पार्टी देंगे, जिसके लिए हमने ये थोड़ा सा भी डेकोरेशन करा है उसकी बेटी के साथ मिलके और हम सब ने मिलके। भाई हेलो बोलो, सबको देख रहे हैं। हेलो, ये बहुत बड़े शेर हैं, किसी काम के शेर नहीं है। लेकिन अभी अभी हम दिखाते हैं, अभी हीना गई हुई है बाहर टहलने, जैसी वो आती है उनको हम कैसे सरप्राइज करते हैं। और आज हमने मम्मी का फोन भी घर पे छुड़वा दिया, इसलिए हमने उसका फोन भी घर पे छुड़वा दिया ताकि हम ये शूट कर सके। और आपको आगे दिखाते हैं कैसे उसके लिए हमने क्या क्या किया। ये देखिए, ये हमारी डेकोरेशन, छोटी सी डेकोरेशन करी क्योंकि आज रात हम बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते थे, तो हमने थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी है। ये हम केक लेकर आए हैं चॉकलेट फ्लेवर में। लाइट बंद कर देते हैं, मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, और फिर उसके बाद मैं गेट खोल दूंगी। हाँ, वो सीधा अंदर ही आती है, वो रूम में कहीं नहीं जाती। हमसे एक गलती हो गई, हमें मेरे घर लाइटिंग थी, वो दिवाली वाली लाइट लगा, ये मैं अपने सर पे लगा लूं। और अच्छा लगता। हाँ लगा लो, वो कल की पार्टी में करेंगे थोड़ा पूकी। इनायत बेटा, तू किसका बर्थडे? हीना का। हीना का बेटा, हीना का नहीं, चाची का। बोलो चाची का। गाइस जैसे 12 बजने वाले हैं और वो लोग भी आ गए हैं, आ गए हैं। चलो चलो, अब हमने उनके लिए सरप्राइज प्लान कर लिया। लाइट ऑफ कर दो सब। फरान इन्होंने बहन ने बाल खोल के पहली करे, इतना पढ़ने यहाँ लगता है। ऐसे मंगाया है बाकी सबके लिए, और जब सबने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है। मैं कुछ मंगाऊं। ये भी रात का सरप्राइज है, बाकी सरप्राइज हम कल देंगे। कल देंगे, कल आके देंगे भी और लेंगे भी। यूनुस सुबह पार्टी दे रहे हैं ना। तो गाइस ये थोड़ा सा खाना पीना चल रहा है, ये वाला लेस और ये थोड़ा रज्जू भाई वीडियो कॉल पे। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। बाकी कल आएंगे, कल भी आएंगे हमें खाने पे बाहर। जी जो डिनर पे जी, बिल्कुल नहीं, कल आ जाओ। और मैं 7 बजे पहुंच जा रहा है, कन्वेंस अपना खाना यूनिवर्सल की तरफ। किस खुशी में? बर्थडे तेरी बीबी का, बर्थडे तो मैं मना लूंगा। चलो ओके, बाय बाय बाय। गाइस अम्मी का सेकंड केक, इस बार पता नहीं मैं कितने केक काटने वाली हूँ, मुझे खुद नहीं पता। ये मेरा सेकंड केक काट रहा है। और ये लेकर आई हूँ दोबारा से मैं। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मदर डॉटर स्पेशल केक हो रहा है। हाँ, यहाँ कोई नहीं है सिर्फ फ्रीजर मेरे अलावा। हाँ नहीं, ये फ्रेश केक है। अच्छा है, मैं खुद ही खा लेती। अच्छा, केक बहुत टेस्टी है। चलिए गाइस, तो मेरा केक आ चुका है। शाम को हमारा छोटा सा स्नैक्स पार्टी होने वाली है, उसके लिए हमारा केक ऑर्डर कर दिया। ये मुझे दिया है मेरी नंद ने गिफ्ट में। अभी आप थोड़ी सी झलक इसमें से देखें, जब पूरा ओपन करेंगे केक हम, तब आपको दिखाएंगे। तैयार होने के लिए फिर आपसे तैयार होकर मिलेंगे। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। देखिए ये है मेरा आज का आउटफिट, और ये मैंने तब लिया था जब हम रक्षाबंधन पे गए थे ना मॉल, तो वहीं से मैंने लिया था, आपने देखा ही होगा। तो ये मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अपने बर्थडे पे पहनूंगी। तो बताइएगा आपको कि कैसा लग रहा है।
सो गाइस यहाँ पे सब आ चुके हैं, बस खाली इनके आने का वेट हो रहा है, ओके ये जरा कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, फिर हम केक कटिंग करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे रिजा ने लगाया है बर्थडे का, और ये गिफ्ट है एक बाजी ने दिया है और ये सानिया भाभी ने दिया है मुझे, और बाकी सब बैठे हैं यहाँ। हाँ छोटा ही किसका लेकर आया दिया एक ये रहा, एक ये अम्मी ये हिन्ना साउथ इंडियन था भाई वो कौन केक वाला हाँ यार इधर दिखाओ तो शॉर्ट वाला एक्शन है इसका बर्थडे आने वाला है दिखाओ नीचे रखो अब वो वाला भी ले लो अच्छा ऊपर वाला ये है वो हिन्ना नाम तो पड़ोस पे चलेगा हिन्ना हिन्ना इधर पड़ दूंगा हिन्ना लो हिन्ना के जो तू काट रहा है मैं लाई हूं तुम्हारा हाथ से चलो बंदर लाई हां बन ले तो उनका ना ऐसे लेना अच्छा पापा मतलब कहने का मतलब ये था बहुत बोलो वीडियो में अभी रुक जाना अभी ऐसे ही जरा आप फ्लैश के साथ ले लो एक फोटोग्राफ ये लो हिन्ना ये देखो हमारी दादी ये लो ऐसे ऐसे माँ है वो बड़ा गिफ्ट लेकर आई उसके फोटो ले लो आ रहे हैं यू नो वो वीडियो में लोगों को बता मेरे भाई आए हैं ऐसे करके बता वरना पता नहीं वो कहेंगे अभी किसी आदमी के साथ अब किसी आदमी के साथ नहीं सब जानते हैं सब जानते हैं बाजी और कक्कू भाई बाजी और कक्कू भाई तो फेमस है सस्ते में बढ़िया चम्मच से खिला दे फोटो ले ले हमारे साथ फोटो ले ले ऑस्ट्रेलिया ईरान कजाकिस्तान साउथ अफ्रीका नहीं नहीं नाइजीरिया नाइजीरिया अपने घर में इनके वालिद साहब इसे इतना जलील करते क्या लाए हज्जो बैठो यूनुस होगा अब बोलो तो ही खाने के बाद मिलते हैं बोलो हाँ बोलो मतलब खाना आएगा तब मिलते हैं भाइयों अब हम सबका कॉन्सेंट्रेट जो है वो खाने पे हो गया है तो अब ये लोग ना जितने भी बैठे हुए तुम देख लो सबकी प्लेटों पे नजर है और अब हम थोड़ी देर बाद खाना शुरू कर रहे हैं यहाँ हमारा सब स्नैक्स का सामान आ चुका है ये है मोमोज और ये चाउमीन और ये तंदूरी और फ्राई और यहाँ हो रहा है केक कट प्लेट्स बन रही है ये जिम्मेदारी गुड़िया बाजी की है आराम से आराम इन्नू क्या कर रही हो तुम गिफ्ट ओपन कर दो गिफ्ट दो ये सबके गिफ्ट ओपन करती है चाचा का भी इन्होंने करा था और चाची का भी ये कर रही है चलो भाई खोलो आया नहीं खोलो आया नहीं देख लो भाई तो कितने फोन भी चलो फोन भी नहीं उठा रहा मैं कुछ नहीं करती बनाते रहो मैं टेस्ट कर दूँ मेरे बच्चे ने पूरा जज कर दिया ये किसका है ये चाची
चलो अब इसे खोलेंगे। ये लो इन्होंने पैसे दिए इसको ज़ूम करके। अरे सिमरन को फुल जड़ी दे दूंगा दिवाली पे। कूपन ये डायमंड ने दिया। अच्छा मैंने दुआएं दी हैं। कूपन इस बार दुआएं दी हैं मुझे। ओह ये बाजी ने एक बार बड़ी यूजफुल चीज दी है जो मैं लेना चाहती थी, जो मेरे बहुत काम आने वाला है। तू खाली ले लो। काम वाली भाई नहीं नहीं पोछा नहीं है पोछा ही तो है नहीं पोछा नहीं होता अगर पोछा नहीं ये तेरा कोई आया क्या हां क्या मैं किसी ने बच्चे पे गलत थप्पड़ मार दिया मैंने आदमी मार दे दिया आपके तेरे सही बना है अच्छा सही बना है चाची मत यूजफुल चीज यूजफुल चीज ये तो इनके बाल है इनके सर पे लगा दे इनके सर पर पत्थर वाले साले खरोड़ वाले मेरा पोछा नहीं पोछा वो इसमें ये नहीं चलते ये खुरदुरे का ये बाहर नहीं रहा इसका साइज ना उसका ये तुझे ऐसे मिलेगी ये बड़ा बढ़िया है यार बड़ा बढ़िया है ये बहुत बढ़िया चलो वो कह रहा है वो कह रहा है गाइस फाइनली हमारी पार्टी जो है कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह से सब घर जा चुके हैं और सबने भर पेट के खाना खाया अच्छे से। सामान हमने थोड़ी सी आज स्नैक्स पार्टी करी थी कि हमने सोचा था खाना वाना तो होता रहता है, आज थोड़ा सा ड्राई ड्राई रखेंगे, तो माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा रहा और सबने अच्छे से भर पेट के खाना खा लिया। अब सब चले गए घर और हम भी अब करेंगे थोड़ा सा काम, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैल गया। मैं करूँगी घर की सफाई। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय करा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ बाय। तो गाइस इस बार मुझे इन्होंने बर्थडे पे दी है कोई ड्रेस है, मुझे नहीं पता कि कौन सी है, और ये मैंने इस ब्रांड से मंगाई है ब्रांड मी अप करके, और इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है वो मैं आपको टैग कर दूंगी, आपको बता दूंगी। लास्ट ईयर की मेरे बर्थडे की ड्रेस भी इसी से, रिजा की ड्रेस जो थी बर्थडे की वो हमने यहीं से मंगाई थी, और इस बार इन्होंने मेरी बर्थडे की ड्रेस यहाँ से मंगाई है, और देखते हैं क्या है, आपके सामने ओपनिंग करते हैं। घूमने जाएं तो आप पहन सकते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद आई है। माउस कलर लिया है इन्होंने, बहुत ही प्यारी लगी मुझे, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये ड्रेस